दोस्तों अगर आप भी प्रसार भारती द्वारा चलाई जा रही फ्री डीटीएस सर्विस डीडी फिलिडिस के उपभोक्ता हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है देश के नंबर वन डीटीएस रिलेटिव यूट्यूब चैनल साहिल फिलिडिस में। दोस्तों हम आप लोगों को आज बतलाएंगे डीडी फिलिडिस के एमपेक 2 या एमपेक 4 एचडी और नॉर्मल सेटअप बॉक्स ने ज्यादा टीवी चैनलों को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, सब कुछ दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जो कि अभी नई उम्र के हैं और साथ में दोस्तों या तो उन्होंने अपने घर में पहली बार डीडी फिलिडिस लगवाया है या एक साल से लगवा रखे हैं या छः महीने से लगवा रखे हैं, उनके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है और इस वीडियो को वो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा इत्मीनान से थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं देश के नंबर वन डीटीएस रिलेटेड यूट्यूब चैनल साहिल फिलिडिस में, जहां पर दोस्तों आपका भाई प्रसार भारती द्वारा जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको अपने साहिल फिलिडिस यूट्यूब चैनल पर बतलाता है और आपका भाई डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, डीडी नेशनल टीवी चैनल पर भी आ चुका है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रसार भारती द्वारा चलाई जा रही फ्री डीटीएस सर्विस डीडी फिलिडिस में सबसे पहला एक जो सवाल आता है निकल के सामने, सोनी पल, स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर सरिश्ते, यानी कि डीडी फिलिडिस से जो भी टीवी चैनल बंद होता है उसका सवाल आता है कि क्या ये टीवी चैनल हम एक बार फिर से दोबारा देख पाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे केस में, बहुत सारे चैनलों के केस में ऐसा होता है कि कहा जाता है ये चैनल आप देख रहे हैं, हमारे पास चल रहा है, आपके पास भी चलेगा, लेकिन पूरी बातों को ना समझते हुए आप जो फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है वीडियोज में उस फ्रीक्वेंसी को आप डाल देते हैं, आपके पास नो सिग्नल होता है। कारण मैं आपको एक बहुत ही आसान में बतलाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी नए बंदे हैं और पुराने बंदे हैं उनके लिए थोड़ा सा अपडेट अभी आपको आगे बतलाऊंगा। दोस्तों आप नए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि डीडी फिलिडिस जो आपकी डिश एंटीना लगी हुई है, ठीक है, ये डिश एंटीना लगी है डीडी फिलिडिस पे। अगर आप डीडी फिलिडिस के एंटीने को हल्का सा घुमाएंगे तो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि आपका गांव समझो इधर है और थोड़ा सा इधर आप उंगली करोगे तो दूसरा गांव दिखाई देने लगेगा, दूसरा शहर दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से डीडी फिलिडिस की जो एंगल है वो 93 डिग्री ईस्ट है, 93.5 डिग्री ईस्ट है, ज्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आप लेफ्ट लेते हैं तो आप एंटीने के पीछे खड़े होके तो 95 डिश टीवी पे आ जाता है। थोड़ा सा और लेफ्ट आप बढ़ जाएंगे लाउ सेट आ जाएगा और उसके बाद इधर बढ़ जाएंगे आप एबीएस फिलिडिस आ जाएगा, बदर सेट आ जाएगा, यहाँ सेट आ जाएगा। तो इन ये सारी सैटेलाइटें हैं, जैसे डीडी फिलिडिस फ्री टू एयर चैनलों को दिखलाती है वैसे ये भी सैटेलाइटें फ्री टू एयर टीवी चैनलों को दिखलाती है। बस फर्क ये होता है कि ये कुछ अलग लैंग्वेज के भी होते हैं, कुछ हिंदी लैंग्वेज के भी होते हैं, यानी कि वो जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री के हिसाब से वहाँ के लैंग्वेज होता है और कभी कभी हिंदी चैनल भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप डीडी फिलिडिस पे देख लो जापानी चैनल चलते हैं, चल रहा है एचडी में, और उसके बाद बंगाली चैनल चल रहा है एचडी में, ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी चैनल मिल जाते हैं MPEG-2 और MPEG-4 में। तो दोस्तों अभी लाओ सेट की अपडेट मैं आपको बता दूं, वहां पर दोस्तों एक चैनल चल रहा है जहां पर दोस्तों आप स्टार इंडिया नेटवर्क का स्टार स्पोर्ट टीवी चैनल, जी सही सुना आप लोगों ने, स्टार स्पोर्ट टीवी चैनल फ्री में देख रहे हैं, फ्री में उस सैटेलाइट पे चल रहा है जिसकी अपडेट हमने आपको बतला दी। और अगर उसकी और भी डिटेल में आपको जाना है उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल पे पड़ा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अब मैं तो भूल ही गया बताना कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कॉमेंट करते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिल सकता है फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। देखिए मैंने नए वाले सब्सक्राइबरों को भी बड़े इत्मीनान से समझाया और जो पुराने हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में लाओ सेट की अपडेट तो उनको पहले भी मालूम हो चुकी थी और आज भी मैंने उनको बतला दिया। लाओ सेट सी बैंड, ठीक है, लाओ सेट KU बैंड, और उसके बाद से एक और सैटेलाइट का नाम मैं बता दूं, एक्सप्रेस 40 डिग्री एंटीने को आपको राइट घुमाना पड़ेगा। लेकिन नोट कर लीजिएगा डीडी फिलिडिस के एंटीने के बारे में अगर आपको मालूम होगा तभी एंटीने को घुमाना, वरना दोस्तों एंटीने को घुमाओगे आपके पास जो डीडी फिलिडिस के चैनल आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। तो इसीलिए जानकारी के अभाव में आप कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये बात ध्यान रखना है, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा और आप हमको 10 बात बोल दोगे। तो दोस्तों इसीलिए सब कुछ ध्यान में रख के कोई भी काम कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में।